हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास थर्ड, चैप्टर थर्ड, प्ले टाइम, खेल का समय। प्ले टाइम इज सो मच फन, खेल का समय बहुत मजेदार होता है। वी लव टू प्ले, हमें खेल बहुत पसंद है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, और हम सभी प्रकार के खेल खेलना पसंद करते हैं। ए गेम इज एन एक्टिविटी, खेल एक गतिविधि है। अंडरटेकिंग फॉर फन एंड एंजॉयमेंट, खेल एक मजेदार और एंजॉयमेंट क्या है, गतिविधि है। इट्स रूल आर नॉट प्री डिसाइडेड, इसके जो नियम है वो पहले से निर्धारित नहीं किए सकते। ए स्पोर्ट इज अ फिजिकल एक्टिविटी, खेल जो है एक शारीरिक गतिविधि है। प्लेड विद ऑलरेडी सेट एंड एक्सेप्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके नियम पूर्व निर्धारित होते हैं और हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते इन द लॉन, लॉन में विद अवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। इज अ गेम बट प्लेइंग इट ऑन पिच, ये कहाँ खेला जाता है, पिच पे। इन ए स्टेडियम एज अ कॉम्पिटिशन एज ए स्पोर्ट्स, एक स्टेडियम में खेला जाता है एक कॉम्पिटिशन के तौर पर। Why do we need to play? हमें खेलने की आवश्यकता क्यों है? Playing involves physical activity which are very beneficial. खेलना जो है एक शारीरिक गतिविधि है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। First point, the physical and mental exercise, ये शारीरिक और मानसिक कसरत है। Keeps us active and healthy, जो हमें सक्रिय और स्वस्थ रखते हैं। Second point, they are source of enjoyment and relaxation, यह मजेदार और आरामदायक चीजों का सोर्स है, स्रोत है। थर्ड पॉइंट, दे इनहांस अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कीप अस फोकस एंड ऑक्यूपाइड, और ये हमारा ध्यान केंद्रित करता है। फोर्थ पॉइंट, वी लर्न डेडिकेशन, मीन्स वो हमें सिखाता है निष्ठा, कॉन्सेंट्रेशन, स्पोर्ट्समैनशिप एंड हाउ टू वर्क इन ए टीम। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है तो अपना ध्यान केंद्रित करना, स्पोर्ट्समैनशिप मतलब खिलाड़ी भावना, एंड हाउ टू वर्क इन ए टीम, और हम एक टीम में किस प्रकार से कार्य करेंगे, टीम के साथ हम कैसे कार्य करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, वी लर्न टू टेक ए फेलियर विदाउट गेटिंग डिमोरलाइज, यह हमें लोकतांत्रिक हुए बिना असफलता के की बातें सिखाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम, फर्स्ट इंडोर गेम, सेकेंड आउटडोर गेम, थर्ड इंडिविजुअल एंड टीम गेम। इंडोर गेम, दीज गेम्स आर प्ले इनसाइड द बिल्डिंग, ऐसे गेम जो बिल्डिंग के अंदर खेले जाते हैं वो कहलाते हैं इंडोर गेम। कौन कौन से हो सकते हैं, लूडो, चेस, कैरम एक्सेट्रा। आउटडोर गेम आर प्लेड आउटसाइड द रूम, दीज गेम्स आर प्लेड ओनली कोर्ट, ऐसे खेल जो मैदान में खेले जाते हैं, बिल्डिंग से बाहर खेले जाते हैं, वो कहलाते हैं आउटडोर गेम, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा। इंडिविजुअल एंड टीम गेम, इंडिविजुअल गेम मीन्स ऐसे गेम जो अकेले खेले जाते हैं, जैसे आर्चीज, जिम्नास्टिक। टीम गेम, ऐसे गेम जो एक टीम में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा। नेशनल टीम, राष्ट्रीय टीम में ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, विंबलडन एक्सेट्रा आर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, यह एक अंतर्राष्ट्रीय ये खेलों का आयोजन है। दिस टीम और द प्लेयर पार्टिसिपेटिंग, इसमें टीम और प्लेयर जो हिस्सा लेते इन दिस इवेंट इज रिनॉर्ड वर्ल्ड वाइड एज द नेशनल टीम और नेशनल प्लेयर रिस्पेक्टली, इसमें जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें और खिलाड़ी जो है दुनिया भर के प्रसिद्ध खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। ये नेशनल टीम हैज प्लेयर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, ये अलग अलग समुदाय, रिलीजन, अलग धर्म एंड डिफरेंट लैंग्वेज, अलग भाषा के होते, बट देयर सोल मोटिव टू इज टू प्ले एज वन फॉर देयर कंट्री, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य होता है अपने देश के लिए खेलना। द विक्ट्री ऑफ ए नेशनल टीम, और नेशनल टीमों को जीत हासिल करना, ब्रिंग लॉरियल टू द एंटायर नेशन, और अपने देश को ख्याति दिलाना। गेम, स्पोर्ट्स और एंड प्लेयर, मतलब कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं और उनके प्रसिद्ध खिलाड़ी। क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली। हॉकी, ध्यानचंद, उत्तम सिंह, धनराज पिल्ले। बैडमिंटन, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, चेतन आनंद। एथलेटिक्स में पीटी उषा, अंजू बेबी जॉर्ज। टेनिस, लेंडर पेश, महेश भूपति,
सैन्या मिर्जा, बॉक्सिंग विजेंदर सिंह, मैरी कॉम और अखिल कुमार। टीम स्पिरिट, टीम भावना। ए टीम गेम कैन नॉट बी वॉन अनलेस ऑल द प्लेयर ऑफ द टीम आर कोऑर्डिनेटेड एंड शेयर ए बॉन्डिंग। एक टीम तब तक नहीं जीत सकती जब तक कि उसके सभी खिलाड़ी जो हैं या उसकी टीम के जितने भी सदस्य हैं वो एक साथ समन्वित ना हो और एक साथ ना खेलें। इंडिविजुअल टैलेंट इज ऑफ नो यूज। एक व्यक्तिगत जो प्रतिभा उसका कोई यूज नहीं है। द टीम डज नॉट वर्क कोऑर्डिनेट जब तक कि टीम में जो है सही तरीके से कार्य नहीं करती या खेलती है। इंडिविजुअल डिसीजन आर नॉट यूजफुल इन टीम। व्यक्तिगत निर्णय जो है टीम के लिए उपयोगी नहीं है। द डिसीजन मस्ट बी टेकन एमिकेबल बाय द मेजोरिटी ऑफ प्लेयर ऑफ द टीम। टीम के सभी जो निर्णय है सौहार्दपूर्वक लेकर सभी खिलाड़ियों को स्वीकार करने चाहिए। द इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम। टीम की जीत और आवश्यकताओं को मस्ट बी वेल अंडरस्टूड अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ऑल द प्लेयर एंड दे मस्ट एम जितने भी खिलाड़ी उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। ए विनिंग फॉर ए टीम टीम के लिए जीतना एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल सेल्फ व्यक्तिगत रूप से नहीं। ए स्ट्रेटजी मस्ट बी ड्रॉन फॉर द गेम अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन। एक रणनीति के तहत टीम के कैप्टन के साथ जो है हमें खेलना चाहिए। दिस विलिंगनेस टू थ्रिव फॉर ऑल टूगेदर विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। बिना किसी मकसद के टीम के सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना ही एक टीम स्पिरिट है। इट हेल्प्स टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमंगस्ट ऑल द प्लेयर। इससे टीम के सभी खिलाड़ियों को एक मजबूत बंधन में बांधना ऑफ द टीम। टीम के सभी खिलाड़ियों को एक मजबूत बंधन में बांधना लॉयल्टी टूवर्ड्स द टीम और टीम के प्रति वफादार बनाना।